जब आप आज स्वैप डिजाइन कर रहे हो तो मैंने क्या बोला था, एनजीए लिमिटेड को रिक्वायर है US डॉलर में, और सीबी लिमिटेड को रिक्वायरमेंट जो है वो है Indian rupees 50 लाख रुपीस। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो स्वैप बैंक है उसने क्या बोला एनजीए लिमिटेड से कि आप Indian rupees को बोरो करो, ठीक है। तो वही बोरो फ्रॉम बैंक, एनजीए लिमिटेड ने क्या बोरो किया, इसको रिक्वायरमेंट US डॉलर की है, लेकिन इसने बोरो किया 50 लाख Indian rupees एट कितना रेट है, 12%। ओके, इसी तरह सीबी लिमिटेड ने 1 लाख US डॉलर को बोरो किया और जो रेट है वो 6% रेट है, ठीक है, क्लियर है। अभी एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है, जब एक्सचेंज किया भाई, स्वैप किया, तो पे जो एनजीए लिमिटेड किसको पे करेगा, जो सीबी लिमिटेड को, ठीक है, पे 50 लाख टू सीबी, ठीक है। एनजीए लिमिटेड ने फिर 50 लाख रुपए लोन लिया और किसको दे दिया, सीबी लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी को दे दिया, एंड रिसीव 1 लाख US डॉलर, और 1 लाख US डॉलर उधर से उन्होंने रिसीव किया सीबी लिमिटेड से, ठीक है, आ रहा है समझ में। 50 लाख रुपए बोरो किया, उसने दिया सीबी लिमिटेड को, सीबी लिमिटेड से क्या लिया, 1 लाख US डॉलर। इसी तरह सीबी लिमिटेड को कितना क्या चाहिए था, US डॉलर, तो उसने जो सॉरी Indian rupees चाहिए था, तो उसने पे किया 1 लाख US डॉलर किसको, तुम्हारा एनजे लिमिटेड की सब्सिडरी को, टू एनजे, एंड रिसीव 50 लाख रुपए Indian rupees वो रिसीव किया, ठीक है। किससे रिसीव किया, एनजे लिमिटेड से रिसीव किया। तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, दोनों ने एक दूसरे का लोन जो है बोरो किया और एक दूसरे को दे दिया, ठीक है, क्लियर है। अभी ये जब ड्यूरेशन खत्म होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये ड्यूरेशन कितनी है, 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर अभी क्या होगा, पे इंटरेस्ट टू बैंक, आप इंटरेस्ट पे करोगे। अब भाई आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो जो एनजे लिमिटेड ने कितना इंटरेस्ट, कितना लोन लिया है, जो लोन लिया है वो 50 लाख Indian rupees दिया है और 12% के रेट से लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, कितना करेगा, पे ₹6%, सॉरी ₹6 लाख, 6 लाख रुपए इसको इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे एनजे लिमिटेड को, क्योंकि इसने 50 लाख रुपए लिए थे। इसी तरह सीबी लिमिटेड ने 1 लाख US डॉलर दिया था, इसको 6% के रेट से कितना, ₹6,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि इनकी जिन्होंने जो लोन लिया था वो तो दूसरे की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट को स्वैप करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो इसने जो 6 लाख पे किया हुआ है, ठीक है, वो किधर से रिसीव करेगा, एनजे लिमिटेड सीबी से, और पे क्या करेगा, ₹6,000 पे करेगा, ये ₹6,000 ये पे करेगा आपका एनजे लिमिटेड, क्योंकि इसको US डॉलर में रिक्वायरमेंट थी, तो ये ₹6,000 पे करेगा टू सीबी एंड रिसीव करेगा क्या, 6 लाख रुपीज, क्योंकि इसने पे किया हुआ 6 लाख इंटरेस्ट, जो इनका इंटरेस्ट था। इसी तरह सीबी लिमिटेड जो है पे करेगी 6 लाख रुपीज, जो पे करेंगे 6 लाख रुपीज, ठीक है, इनको एनजे लिमिटेड को, एंड रिसीव क्या करेगी, ₹6,000, क्योंकि इनको US डॉलर इन्होंने पे किया हुआ, इसलिए उसको रिसीव करेंगे, क्योंकि वो तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, रिक्वायरमेंट क्या थी, Indian rupees, इसलिए इनको 6 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने एक्सचेंज किया इंटरेस्ट को, मतलब एक दूसरे के इंटरेस्ट को इन्होंने पे किया, ठीक है, इंटरेस्ट को स्वैप किया, स्वैप बैक प्रिंसिपल्स। अभी स्वैप बैक प्रिंसिपल में क्या, पे 1 लाख टू सीबी एंड रिसीव, सॉरी, पे 1 लाख US डॉलर टू सीबी एंड रिसीव 50 लाख। तो अभी इन्होंने लोन क्या लिया था, 50 लाख रुपीज, अभी इनको रीपेमेंट करना है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए अगर रीपेमेंट करना है तो किधर से लेंगे, सीबी लिमिटेड से लेंगे, क्योंकि उनके लिए लोन लिया था, तो वही कह रहा है रिसीव 50 लाख रुपीज, और पे क्या करेंगे, 1 लाख, क्यों पे करेंगे, क्योंकि सीबी लिमिटेड ने 1 लाख US डॉलर लिया था, ठीक है, इनके लिए, एनजीए लिमिटेड के लिए, तो वो इसको पे करेंगे 1 लाख सीबी लिमिटेड को। इसी तरह सीबी लिमिटेड पे करेंगे 50 लाख टू एनजीए लिमिटेड एंड रिसीव 1 लाख US डॉलर, क्योंकि अभी इनको US डॉलर 1 लाख वो पे करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्वैप
पोजीशन बन रही है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो जरूर समझ में आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन कैसी बन रही है, इन्होंने बोरो किया, एनजीएल लिमिटेड ने सीबी लिमिटेड, तो इस तरह से मतलब हम लोग ने इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं अभी प्रॉब्लम शीट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम शीट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यही कर स्वैप से रिलेटेड ही होंगे कि कैसे आपको स्वैप डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।